चैनल डिवाइन टैरो में कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की आज की सच्ची भावना, ठीक है। आज की और अभी की मैं सच्ची भावना देखूंगी। ये कैंडल वाइज रीडिंग होगी, ठीक है। बस आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। जनरल रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना, और ध्यान इस लॉ पे देना, आपके पार्टनर को ध्यान करने की कोशिश करना, ओके। ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, उनका नाम भी दोहरा सकते हो मनी मन। यूनिवर्स मुझे जिस भी व्यक्ति के लिए ये ध्यान कर रहे हैं या जिस भी व्यक्ति का नाम मनी मन दोहरा रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए करंट सच्ची भावनाएं बताएं, आज की सच्ची भावनाएं। चलो लेट्स स्टार्ट। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, वो आपके आसपास एक घेरा बनाता हुआ नजर आ रहा है। बंदा बंदी ये जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, वो आपके आसपास एक घेरा बना रहे हैं। घेरा यानी कि एक सर्कल, जिस सर्कल को आप पार ना कर सको, इस तरीके की सर्कल एक क्रिएट हो रही है। अब वो कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं जिसमें ये आपको कन्विंस कर सके इनके साथ रहने के लिए। और ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान सिर्फ इसलिए है ताकि आप इनको छोड़कर ना जाए और आप किसी और के ना हो जाए। इनको इस बात का डर है कि आप किसी और के हो सकते हैं, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। इनको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी है जिसके कारण ये आपको अपनी बातों में लेना चाहते हैं, अपनी तरफ से कन्विंस करवाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि आप जो है इनके ही हमेशा बनकर रहें और किसी और की तरफ ना देखें। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर जो है आपका दिल जीतने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आपका दिल जीते, कैसे चीजें बेहतर हो, इस तरीके की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर काफी ज्यादा जिद्दी, इगोइस्टिक और गुस्सेल स्वभाव के भी दिखाई दे रहे हैं। रूड बहुत है, बहुत ज्यादा। अचानक से चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, और ऐसे दिखाई दे रहा है कि कई बार ये फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर का आप पर बिना वजह निकलता है, और जैसे उनको आदत पड़ गई है इस तरह का बर्ताव करने की, ब्लॉक करने की। मुझे आप दोनों के बीच में ना इनसिक्योरिटीज बहुत दिखाई दे रही है। आपको भी ट्रस्ट इश्यूज है इस व्यक्ति को लेकर, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है। आप इनमें भरोसा नहीं कर पाते, और ये आपका भरोसा जीतने के लिए आपको कुछ चीजें साबित भी नहीं करके दिखाते, प्रूफ नहीं दे पाते। इस वक्त आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बातों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ऐसा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के हिसाब से ज्यादा उठते बैठते हैं। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में अचानक से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्रिएट हुई है। इससे पहले भी अगर चीजें थी थर्ड पार्टी या वगैरह था, बट स्टिल आपके पार्टनर जो है आपकी सुनते थे, आपको आपको प्रायोरिटी देते थे, आपसे प्यार करते थे, आपको वैल्यू करते थे। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से जैसे आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं कर पाते, आपको सुनते नहीं, आपकी हर बात को गलत समझते हैं, आपको टाइम कम देते हैं, प्रायोरिटी कम देते हैं, आपसे बहुत सारे झूठ बोलते हैं, बहुत बातें छुपाते हैं। अगर थर्ड व्यक्ति के साथ कहीं जाते भी हैं घूमने, तो वो बातें तक आपसे नहीं बताई जाती। मुझे प्रेगनेंसी या कंसीव होने का भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ने किसी के साथ संबंध बनाए जो आपको पसंद नहीं आए, जिससे आपको बहुत दुख पहुंचा, जिससे आपको तकलीफ पहुंची, ये आपको इस तरह चीट नहीं कर सकते वाली एनर्जी है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होने से भी आपको दिक्कत आई है, क्योंकि आपको इस व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बहुत कम पता था, या इन्होंने इस तरह बताया था कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये थर्ड पार्टी के बारे में बार बार ऐसा कहते हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहती, या वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं जिसके कारण वो छोड़ नहीं रहे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको ताकि आप इनको छोड़ कर ना जाएं। आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग एटीट्यूड वाले पर्सनालिटी हैं, अपनी गलती जल्दी मानते नहीं। वो वाली एनर्जी है जहाँ पे वो अपनी गलती का एहसास जल्दी नहीं करते। यस, गलती फील करते जरूर है, इनको गलती का फीलिंग होता है कि मैं गलत हूँ, मैंने इसके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बेचारी हर्ट हो रही है या बेचारा हर्ट हो रहा है। बट कहीं ना कहीं ये सॉरी बोलने के लिए बहुत पीछे भागते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सॉरी नहीं बोलते, सॉरी बोलने से बहुत कतराते हैं। आप कितना भी इनको करें, एक सॉरी बोलकर रिलेशनशिप बेटर हो सकता है अगर ये अपनी गलती माने, बट कहीं ना कहीं अपनी गलती मानते नहीं।
साइन मुझे एरीज साइन मिली है, टॉरस मिली है, लिब्रा है, एक्यूरियस है, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो एनर्जी है। आपके पार्टनर काफी ज्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी ही धुन में ज्यादा रहते हैं और आपको ज्यादा अटेंटिव या अटेंशन या टाइम नहीं देते, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पे वो फोकस कर रहे हैं और आपको बहुत लाइटली लेते हैं। बट एज ऑफ नाउ जैसे आपके आसपास एक ऑरा बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं और उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करने की जैसे कि कोशिशें कर रहे हैं कि आप उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना कर सकें, उसके लिए तरह तरह के मैनिपुलेशन या पैतरेबाजियां ट्राई कर रहे हैं। या तो आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योर या जलस फील करवा रहे हैं, या तो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और इस तरह दिखा रहे हैं कि जैसे कि आपकी कोई परवाह नहीं ताकि आप अपनी लाइन को क्रॉस ना कर सके। इन्हें कई बार आपको लेकर शक भी होता है, इन्हें कई बार लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है, आप किसी और व्यक्ति से ज्यादा बातें करते हैं, किसी और को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। इनको लगता है आप इनकी बात नहीं मानते, आप इनको रिस्पेक्ट नहीं करते, आप इनको लव नहीं करते। आपसे बोलते हैं लेकिन जब बात आती है कुछ भी रिस्पेक्ट करने की या कुछ बोलने की तो आप अपने आपको पहले चुनते हो और उन्हें हमेशा साइड कर देते हो। आपके पार्टनर आपकी किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट है, कोई बात है जो उनको बहुत ज्यादा हर्ट करके बैठी हुई है, जिस बात से ये बहुत अपसेट है, बट स्टिल ये रिलेशनशिप ये खोता हुआ नहीं देख सकते, ये नहीं चाहते कि रिलेशनशिप इनके हाथ से निकल जाए, ये अभी भी आपका हाथ पकड़कर आगे चलना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। नंबर टू, नंबर फोर इंपॉर्टेंट है, इनिशियल आर, वी और ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की एनर्जी है। एम भी हो सकता है आपके पार्टनर के इनिशियल्स में। नंबर 23 मुझे दिखा है, हो सकता है ये आपकी एनिवर्सरी या बर्थ नंबर्स में शामिल है या इस पर्टिकुलर इवेंट में कुछ होने वाला है। मई मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और ट्यूसडे, आई डोंट नो व्हाई ट्यूसडे, पर ट्यूसडे जो ट्यूसडे का दिन है वो आपके लिए बहुत महत्व रखता होगा। आपके पार्टनर का जो मुझे नक्षत्र दिख रहा है वो काफी स्ट्रांगली मुझे 8th हाउस में नजर आ रहा है, सैटर्न के इम्पैक्ट में है और काफी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ गई है, इसके कारण ये सडनली बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, सडनली इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं हेल्थ को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, मनी को लेकर, मनी के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल्स दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम जो है, मनी जो है, इनका बनने की जगह बार बार इनके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, मतलब पैसा जल्दी आसानी से नहीं कमा पा रहे हैं। इस वक्त इल्यूजन्स की दुनिया में ज्यादा रहते हैं, हर इंसान को ऐसा सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति इनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, इस तरीके की एनर्जी फील करने लगे हैं आजकल आपके पार्टनर। आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को इमोशनली बोलते ना नॉर्मल नहीं फील कर पा रहे हैं, इनको इमोशनली काफी डिसकनेक्ट फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि इमोशनली आपके साथ ही नहीं किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे, बहुत डिसकनेक्टेड फील कर पा रहे अपनी लाइफ को। इस वक्त इनकी जिंदगी में बिना वजह की मेंटल एंजाइटी है, कुछ नहीं होकर भी बिना वजह ये बहुत सोच विचार करके अपना मन खराब करते हुए, अपना मन उदास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि इनके घर में या तो कोई बहुत ज्यादा बीमार है या तो सडनली किसी की डेथ हुई है, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है कि कोई या तो बीमार है, सडनली किसी की डेथ हुई है जिसपे थोड़े से अपसेट चल रहे हैं, जिसपे थोड़ा सा इनका माइंड डिस्टर्ब है, या हो सकता है कि कोई इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है जिसके कारण इनको आपके खिलाफ जाकर चीजें करनी पड़ रही है, यानी कि इमोशंस में आकर जबरदस्ती उनको जो है आपसे दूर रहना पड़ रहा है या आपके अगेंस्ट ही ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है झूठ बहुत बोलने लगे हैं आजकल, बातें छुपा रहे हैं क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, खुद भी नहीं समझ में आता उनको ऐसा वो आपके साथ क्यों कर रहे हैं। इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, आपके साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है इस वक्त उनके मेंटल एंजाइटी को कोई रिलीफ दे सकता है तो वो सिर्फ आप, और वो फिजिकली इन्वॉल्व यानी कि आपके फिजिकल टच को महसूस करके ही वो नॉर्मल फील कर सकते हैं, आपको किस करके, आपको हग करके, मे बी आपके टच का एहसास करके। ये व्यक्ति इस वक्त आपके साथ समय बिताना चाहते हैं और आपको लेकर ये बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, पर इनके पास अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये व्यक्ति चाहकर भी आपको खुलकर अप्रोच नहीं कर पा रहे, खुद को स्टक फील कर रहे हैं, खुद को एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे वो धीरे धीरे आपकी तरफ आ सके। हो सकता है कि ये जिस व्यक्ति के साथ अभी कनेक्टेड है ये उस व्यक्ति से छुपाना चाहते हैं और सेफ टाइम देख रहे हैं, राइट टाइम देख रहे हैं कि वो आपको कब कनेक्ट कर सके ताकि उसकी नजरों से बच सके। ये किसी इंसान की नजरों से बचकर हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं मुझे सेवन नंबर इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। 7 days 7 weeks आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपके पास आपको अप्रोच करने के लिए कोशिश करेंगे और मुझे बार बार ये आपके आसपास लाइन ड्रॉ करते दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये नहीं चाहते कि आप किसी और व्यक्ति से ज्यादा बात करें या कनेक्ट करें। उसके लिए ये आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें या मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, ताकि आप किसी और के ना हो सके, क्योंकि इनको स्ट्रेस है। इनको स्ट्रेस है इस बात का कि आप इनको भूल जाएंगे या आप इनको जो है अपनी जिंदगी में छोड़ देंगे, आप मूव ऑन कर लेंगे। इसीलिए आप कई बार एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, कई बार एंग्जाइटी या इनके बारे में सोचने में मजबूर हो जा रहे हो। ये व्यक्ति आपको अपने जीवन से कभी नहीं जाने देंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपको इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और डेफिनेटली आपके क्लोज आना चाहते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, मुझे ना एक एनर्जी जरूर दिखी है कि आपके पार्टनर कैसे है ना, खाजा रखना भी चाहते हैं, खाजा खाना भी चाहते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, इस तरीके की एनर्जी ज्यादा है, जिसके कारण भी आप इनसे बहुत परेशान हो चुके हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है कि इसके कारण ही आप इनसे बहुत ज्यादा अपसेट हो और नाराज हो, क्योंकि ये कभी कोई डिसीजन लेते नहीं और आपको कंफ्यूज करते हैं, हमेशा एक टॉक्सिक एनर्जी में रखते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। Through any insecurity, leave the past behind. अपने पास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। आपको insecure feel करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद आपके partner insecure हो गए हैं। यहाँ पे उनको खुद को डर लग रहा है कि वो आपको खो बैठेंगे, आप उनकी जिंदगी से निकल जाएंगे, blah blah blah। उनको stress हो गया है और यहाँ पर आप stress लोगे तो मतलब कोई नहीं है, क्योंकि universe कह रहा है आपको stress लेने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके लिए उल्टा टेंशन ले रहे हैं कि अरे ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं और अपने पास को पीछे छोड़ आगे बढ़ो, क्योंकि आपके पार्टनर इसी बात से डरते हैं कि आप आगे बढ़ जाएंगे। आप आगे बढ़ जाएंगे तो उनका क्या होगा, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब आप आगे बढ़कर दिखाओ, ताकि उनको रियलाइज हो जाए कि वो क्या खो रहे हैं और वो आपको कैसे अपने हाथ से धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। उनको जैसे ही डर लगेगा तो वो आपके लिए कुछ करने की सोचेंगे, अदरवाइज उनको फील नहीं होगा कि वो आपको खो रहे हैं। ठीक है, आप उनको एहसास कराना चाहते हैं तो पास को पीछे छोड़कर एक न्यू बिगनिंग करें, एक नई शुरुआत करें और इस लक्ष्मण रेखा को पार करके दिखाएं। जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे, ये आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, आपके अंदर टॉक्सिक एनर्जी भरते रहेंगे, कंफ्यूज करते रहेंगे, तब तक ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेने पे मजबूर नहीं होंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा पुश करना होगा अपने आप को। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मसाला लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चिपका डालो। ब्रेसलेट के लिए अमित सर इज दी बेस्ट, इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं वो, आप इंस्टाग्राम पे भी उन्हें ढूंढ सकते हो ब्रेसलेट बाय अमित के नाम से। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट बुक करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है अमित सर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे, आप उसमें नंबर निकाल के उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपने लिए ब्रेसलेट बाय करवा सकते हो या कस्टमाइज करवा सकते हो। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो आपको मैसेजेस आते हैं वो मैं नहीं, कोई स्कैमर कर रहा है मेरा फोटो दिखाकर, तो इसलिए उस पर बिलीव ना करें। ठीक है, बाकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।